नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26x60 फिट के प्लान के बारे में। अगर आप इसका 3D देखें तो ये इसका 3D है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इजिली। तो चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप देख पाएंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लोन है, यहाँ से मेन एंट्री दी है जो आपका ये है, वो ईस्ट फेसिंग है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ईस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है। सबसे पहले यहाँ पे है ड्राइंग रूम, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। डायरेक्टली गेस्ट आते हैं तो यहाँ से आप एंटर करवा सकते हैं, और यहाँ से मेन एंट्री है। यहाँ पे पोर्च है जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो ये आपकी मेन एंट्री है यहाँ पे, जिसकी एंट्री लॉबी में जाती है। तो ये लॉबी में ही हमने यहाँ पे पूजा रूम यहाँ पे सेट किया है। यहाँ पे आपका पेंट्री है, अगर बाहर से कोई भी आता है तो यहाँ से विंडो से कंप्लीट किचन से सब दिख जाएगा वहां पे। और डक्ट वगैरह का यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे टॉयलेट लगाई गई है जो कॉमन टॉयलेट है, जो गेस्ट रूम भी, जो आपका ड्राइंग रूम है वहां से भी आपको यूज कर सकते हैं। एक बेडरूम हमने यहाँ पे बनाया जिसके साथ हमने टॉयलेट यहाँ पे अटैच किया है। ये आपका कोर्टयार्ड एरिया है जहाँ पे लॉन वगैरह आप पीछे की तरफ बना सकते हैं। और जो हमने स्टेयर्स का प्रोविजन किया है वो भी अंदर लॉबी से ही हमने प्रोवाइड किया है। अगर मैं वास्तु की बात करूं, जो हमारा मास्टर बेडरूम है आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट एरिया में है अकॉर्डिंग टू वास्तु। जो हमारा स्टेयर्स है वो हमारा साउथ एरिया में है अकॉर्डिंग टू वास्तु। जो ड्राइंग रूम है वो हमारा साउथ ईस्ट एरिया में है। जो हमारा पेंट्री वाला एरिया, जो किचन वाला एरिया है, वो हमारा नॉर्थ जोन में है अकॉर्डिंग टू वास्तु। अब यहां से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो यहां पे आप निकलते हैं, यहाँ से आप है तो यहाँ से आप निकलेंगे लॉबी में ही आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। सेम बेडरूम, किचन, टॉयलेट, ओपन कोर्टयार्ड, और यहाँ पे टॉयलेट, डक्ट और किचन का प्रोविजन हमने दिया है। जहाँ पे नीचे ड्राइंग रूम था वहाँ पे हमने ऊपर बेडरूम का प्रोविजन दिया है। और बेडरूम के साथ ही हमने एक अटैच किया स्टडी रूम, यहीं से आपके डोर्स हैं, यहाँ से आप बाहर बालकनी पे जा सकते हैं। और एक बालकनी हमने बेडरूम में यहाँ पे प्रोवाइड किया। अगर आप इसका 3D देखेंगे तो कुछ इस तरीके से 3D है। यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम हो गया, यहाँ पे आपका बेडरूम हो गया जो ये ऊपर वाला बेडरूम है, और उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रंट डिजाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।